Everyone, welcome back. So in this video I'm going to discuss what are the career options that you can opt after MSc chemistry. So this video is really going to be very important. At the end I will discuss jo part-time job aap kar sakte ho while preparing for any competitive exam. So start karte hain video. So video start karte hain PhD ki option se. So PhD aap kahan kahan se kar sakte ho? India se kar sakte ho ya abroad se kar sakte ho? Pehle hum baat karte hain abroad se. Agar aapko kisi bhi country mein agar PhD karna hai to us country ka jo language ka test hai wo dena padta hai. Let's say agar aapko USA mein PhD karna hai to aapko GRE dena padta hai and TOEFL dena padta hai. So GRE and TOEFL is just a eligibility test. आप eligible हो किसी भी university में apply करने के लिए USA की. अब बात करते हैं कोई आपको select क्यों करेगा कि आप उनके institute से जाकर PhD कर लो या उन university से जाकर PhD कर लो. तो आपका जो CV है वो काफी strong होना चाहिए. अगर आपको आपके पास research experience है BSc में MSc में और कोई research publication है तो आपका जो CV है strong बन जाता है और आपके chances ज्यादा होते हैं कि आपकी selection हो. तो मैं इंटर्नशिप के बारे में बात करूंगी कैसे आप इंटर्नशिप कर सकते हो बीएससी के में और एमएससी में किसी नेक्स्ट वीडियो में. ओके अब आता है ऑप्शन इंडिया में पीएचडी करने का. इंडिया में पीएचडी आप थ्रू थ्री वेज कर सकते हो जेआरएफ गेट और विदाउट नेटवर्क गेट. विदाउट नेटवर्क गेट मींस हर यूनिवर्सिटी का अपना पीएचडी का एक टेस्ट रहता है जो आपको देना होता है टू टेक एडमिशन इन पीएचडी इन दैट रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी. ओके अगर हम बात करें जेआरएफ की तो आपको नेट जेआरएफ देना होता है. नेट जेआरएफ में आपको गवर्नमेंट जो है वो पे करती है. किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट से तो गवर्नमेंट पे करती है 31,000 ठीक है फॉर फर्स्ट टू इयर्स. उसके बाद 35,000 पे करती है आफ्टर टू इयर्स ठीक है. फिर उसके बाद गेट के थ्रू आप पीएचडी कर सकते हो आईआईटीस में. पर आपका जो रैंक है वो अच्छा होना चाहिए. हर आईआईटी का एक लिमिट होती है कि इस तक रैंक होना चाहिए तभी वो कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे. उसके बाद गेट में आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलता है वो भी सेम रहता है 31,000 प्लस 35,000 फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर्स. अब आपके पास एक और ऑप्शन होती है फेलोशिप की वो है पीएमआरएफ. ये रिसर्च फेलोशिप है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप. इस फेलोशिप में आपको 70,000 पर मंथ मिलता है. अब ये कौन से स्टूडेंट इस फेलोशिप के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं वो उनके बेस्ड होता है उनका बीएससी और एमएससी में जो भी रिसर्च एक्सपीरियंस रहा होता है. अगर उनके पास पब्लिकेशन है अच्छी इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिकेशन है अगर उनके पास इंटर्नशिप है तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी कैंडिडेट को ये वाली फेलोशिप मिले. तो इस फेलोशिप बहुत अच्छी फेलोशिप है. ये आईआईटी में ही मिलती है या अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलती है तो हर यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च फेलोशिप मिले ऐसा नहीं होता. आईआईटी हर आईआईटी में ये मिलती ही है. उसके बाद आता है गवर्नमेंट जॉब इन केमिस्ट्री. यस केमिस्ट्री में भी गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना सकती हूँ लेकिन अभी के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि कौन कौन सी कंपनीज जो है केमिस्ट्री में गवर्नमेंट जॉब पॉसिबिलिटी है. तो आपको गेट का एग्जाम देना पड़ता है ठीक है. तो गेट के एग्जाम में जो आपका रैंक है वो अच्छा होना चाहिए. अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपका रैंक 1 से 60 के बीच में होना चाहिए ठीक है. आपको ONGC बाघ डीआरडीओ में गेट के स्कोर जो है वो कंसिडर किए जाते हैं. ONGC और बाघ तो हर साल ही वैकेंसी निकालता है तो अभी बाघ का जो अलग से एग्जाम भी होता है कि गेट के मार्क्स भी कंसिडर करता है और अलग से एग्जाम भी रहता है. तो इस साल तो ड्यू टू कोविड तो बाघ का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ जो कि 2021 में होना था लेकिन इसके वैसे तो अगर कोविड ना होता तो आने ही आने थे. हर साल ही निकलती है. और अगर विदाउट गेट मतलब ये गेट का मार्क्स स्कोर कंसिडर नहीं करते इनका अलग से एग्जाम रहता है तो बार तो मैंने दोनों ही रखा है क्योंकि बार का अलग से भी एग्जाम रहता है और गेट के मार्क्स भी कंसिडर करता है. उसके बाद इसकी बात करें जियो साइंटिस्ट GSI ये UPSC करवाती है एग्जाम. तो इसके भी एग्जाम इसका भी जो एग्जाम होता है या इसके भी पोजिशन जो है वो हर साल ही आते हैं ठीक है. ये बाकी जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनके हर साल नहीं आते. इनमें से IOC अल्फा है इनका भी हर साल आता है लेकिन इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है. तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस कैसे एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आपने किसी इंडस्ट्री में काम किया है उस एक्सपीरियंस को भी कंसिडर किया जा सकता है. अलोंग विद अगर आप PhD कर रहे हो और आपको 2 साल हो गए हैं तो उस 2 इयर्स को भी आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जा सकता है. उसके बाद आता है जॉब्स इन इंडस्ट्री.
केमिस्ट्री के बाद आप इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो एज ए केमिस्ट, R&D डिपार्टमेंट में एज ए एनालिटिकल केमिस्ट वर्क कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप काम कर सकते हो। तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, अगर आपकी कैंपस में प्लेसमेंट हो जाए, आप अच्छी यूनिवर्सिटी से हो या अच्छे इंस्टीट्यूट में हो तो कैंपस में आपकी कंपनीज आएंगी, यहाँ पे आपको प्लेस करी जाएगी, किया जाएगा। उसके बाद होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस रहता है। अगर आपकी कैंपस में प्लेसमेंट होती है तो पे स्केल अच्छा रहता है, और अगर ऑफ कैंपस की बात करें तो यहाँ पे स्केल इतना अच्छा नहीं रहता फ्रेशर के लिए तो, और सभी कंपनीज जो है वो फ्रेशर को रखती भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक बार एक्सपीरियंस हो जाए तो आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं प्राइवेट जॉब्स में, राइट। तो ऑफ कैंपस भी आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक आप प्रोफाइल बना सकते हो, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना सकते हो, naukri.com पे प्रोफाइल बना सकते हो, और आप वैकेंसीज देख सकते हो कौन किन इंडस्ट्रीज में आई हुई हो और आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद आता है एमटेक। सो या आफ्टर BSc एंड MSc और यू कैन ऑल्सो गो फॉर एमटेक। सो एमटेक का कैसे फायदा रहता है, एक तो आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, एमटेक में आपको स्टाइपेंड मिलता है 12,000 का अगर आप गेट के थ्रू एडमिशन लेते हो किसी भी IITs में, राइट। अगर आपकी MSc किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं है, यहाँ पे आप इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते थे लेकिन वहां पे अच्छी कंपनीज नहीं आई, अगर लेकिन अगर आप एमटेक में एडमिशन ले लेते हो, एमटेक भी अगर आप केमिस्ट्री में किए हो तो अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं कि किस में आपको एमटेक करना है। तो एमटेक में IITs में एडमिशन ले लेते हो, यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा 12,000 का अलोंग विद आपको डिग्री भी मिलेगी 2 ईयर्स की। उसके बाद अगर वहां पे अच्छी कंपनीज आती हैं एमटेक के लिए तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिल रही होगी, पर फिर आपको 2 साल लगाने पड़ेंगे, पर आपको डिग्री भी मिलेगी और अच्छी जॉब भी मिलेगी, यहाँ पे अच्छा पैकेज होगा। तो एमटेक करने का फायदा तभी है अगर आप स्टाइपेंड वाली कर रहे हो, तो गेट के थ्रू एडमिशन ले रहे हो जिसमें आपको 12,000 मिलता है अलोंग विद आपके अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो आगे आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज का भी फायदा होता है। एमटेक का फायदा PhD में भी होता है, अगर आप एमटेक के बाद PhD में एडमिशन लोगे तो आपको जो कोर्स वर्क करना होता है IITs में तो आपको कम करना पड़ेगा, राइट। सो मोर ओवर अगर आपने कोई फिर नेट अगर JRF नहीं भी है फिर भी आप IITs में एमटेक कर रहे हो तो आप सीधा भी IITs में PhD के लिए एडमिशन ले सकते हो। और उसके बाद आता है कंटेंट डेवलपमेंट जॉब, ये भी काफी आप MSc केमिस्ट्री के बाद कंटेंट डेवलपमेंट की जॉब भी कर सकते हो, लाइक बायजूस और वेदांतु ऐसी कुछ ऑनलाइन साइट्स जो है वो आपको अच्छा पैकेज ऑफर करती हैं, लाइक बहुत अच्छा पैकेज होता है इसमें। तो आप इसमें अगर कैंपस प्लेसमेंट हो तो IITs वगैरह में ये आती हैं तो कैंपस प्लेसमेंट तो काफी अच्छा रहता है, आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो तो इनकी जो वैकेंसीज है वो निकलती रहती है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड जॉब जो आपको इजिली मिल सकती है केमिस्ट्री में। ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं, आपको क्वेश्चन मिलता है आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पर फुल टाइम जॉब भी होता है और पार्ट टाइम जॉब भी होता है, ठीक है, फुल टाइम जॉब भी होता है और पार्ट टाइम जॉब भी रहता है इसमें। तो ये काफी अच्छी है अगर आपकी अच्छा आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, आपको अच्छे से कंसेप्ट्स आते हैं तो इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आप अच्छा अर्न कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है, ये तो हो गया अब जॉब्स के बारे में, अब लास्ट जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि आपको LS के बाद मिलती है, NET LS के बाद, ठीक है। तो ये जॉब जो है वो आपको कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलती है, यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल तो हो लेकिन आपको अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, और अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो और कर रहे हो तो आपको PhD के अलग से नंबर रहते हैं, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे पूछा होता है कि उनको PhD ही चाहिए, तो इसके लिए आप कॉलेज में ही अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। पर इसमें क्या होता है कि आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ही जॉब कर सकते हो, आपका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास PhD नहीं है तो प्रमोशन नहीं होगा। बेटर फिर बाद में यही होता है कि आपको साथ साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस PhD करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन तो लाइक टेम्परेली जॉब काइंड ऑफ ही हो गया कि आपको थोड़े टाइम के लिए एज ए जॉब लगे, पर अगर आपको इसको एज ए लॉन्ग टर्म करियर देख रहे हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आता है BEd, सो BEd के बाद आप +1 +2 को टीच कर सकते हो, ठीक है। PGT जिसको बोलते हैं PGT टीचर, ये भी 2 ईयर्स का प्रोग्राम रहता है लेकिन मे बी नेक्स्ट ईयर से ये 1 ईयर का भी हो जाए। उसके बाद आती है JRF पोजीशंस, सो JRF पोजीशंस ये क्या चीज है,
So JR Application, this is very good opportunities for those जिन्होंने अच्छा project नहीं किया MSc में और BSc में वगैरह में कहीं पे भी internship नहीं की, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर वो बाहर से PhD करें, abroad से PhD करें, तो उनको profile अपनी improve करनी पड़ती है, मतलब उनको कुछ extra research experience add करना पड़ता है। तो JR Application जो हर साल निकलती रहती हैं और हर बार निकलती है different different institutes में, तो इसके लिए आपको चाहे तो नेट चाहिए होता है, ठीक है, नेट LS गेट के थ्रू भी आप ले सकते हो, या JRF हो तो आप ले ही सकते हो, अलोंग विद कुछ प्रोजेक्ट के पोजीशंस ऐसे भी निकलते हैं जिसमें कुछ भी नहीं मांगा होता, ना तो नेट मांगा होता है, ना तो गेट मांगा होता है, ना तो JRF मांगा होता है, तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। हर का डिफरेंट डिफरेंट रहता है, लेकिन अगर आप JRF पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 31,000 मिलता है प्लस HRA मिलता है, राइट। तो ये टेम्परेरी जॉब होती है, लेकिन आप इससे अपने जॉब प्रोफाइल जो है इम्प्रूव कर सकते हो, लाइक आपको आपकी जॉब प्रोफाइल में एक्सपीरियंस ऐड हो गया, लाइक जब भी आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो जाते हो तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी काफी खुल जाती है, क्योंकि फ्रेशर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है जॉब लेना, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती है। उसके बाद मैंने आपको इस जॉब के लिए बताया था कि आपको 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाता है, अलोंग विद आपकी प्रोफाइल अच्छी इंप्रूव हो जाती है, तो आप अब्रॉड में PhD कर सकते हो। अब्रॉड में PhD करने का एक और फायदा है कि आपको अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, अच्छा पैसे कमा सकते हो, लाइक USA में फुली फंडेड PhDs भी ऑप्शन में होती है। उसके बाद आता है जॉब इन कोचिंग सेंटर्स, सो दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, बट अगेन आप फ्रेशर हो तो थोड़ा मुश्किल रहता है, पर अगर आपने फ्रेशर अगर आप एक्सपीरियंस हो जाए तो आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, लाइक आकाश में तो वो फ्रेशर्स को भी लेते हैं, लाइक ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, तो में जाती है और बच्चों को प्लेस्ड करती है, फ्रेशर को भी, और उनका पैकेज भी काफी अच्छा रहता है, काफी अच्छा पैकेज रहता है। तो आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो, जब भी इनकी वैकेंसीज आती हैं आप जस्ट सर्च कर सकते हो करियर एट आकाश, वहां से आपको ऑप्शंस मिलने लग जाते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, और अब यूट्यूब पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे आप आकाश में अप्लाई कर सकते हो, राइट। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, कि लाइक लेट्स से आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ साथ में कुछ जॉब करना चाहते हो, लाइक 1 to 2 hours, राइट। तो इसके लिए आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सर्च कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब इन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट केमिस्ट्री, तो आपको काफी जॉब्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, लाइक मिलनी आई कैन से कि आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगी, आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक तो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट की जॉब कर सकते हो पार्ट टाइम, लाइक उसके बाद आता है एज ए डाउट फैकल्टी, सो डाउट फैकल्टी भी आप जॉब कर सकते हो, लाइक डिफरेंट डिफरेंट साइट्स ऐसे ऑनलाइन आ चुके हैं, टॉप पर आ गया, वेदांतु आ गया, एज ए अन अकेडमी पे डाउट फैकल्टी बन सकते हो। तो डाउट फैकल्टी की भी जॉब रहती है कि जिसमें आपको डाउट सॉल्व करने होते हैं, एक तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जॉब रहती है जो कि आप एज ए पार्ट टाइम कर सकते हो, और एक डाउट फैकल्टी की जॉब रहती है जो आप एज ए पार्ट टाइम कर सकते हो। आई होप मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, तो आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।